भूषण को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और जो इनको न्याय है वो न्याय दिलवा जाए। पहलवान है जिन्होंने एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और कई मेडल जीते उन्होंने, कांस्य से लेकर गोल्ड मेडल अलग अलग गेम्स में, तो वो आज हर की पौड़ी पहुंचने वाले हैं। कई भारत का प्रतिनिधित्व किया वो आज हर की पौड़ी हरिद्वार उत्तराखंड में यहाँ पहुंच चुके हैं और एक साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, आंखों में आंसू हैं और चेतन फ्रेम नहीं मिल रहा, बताओ मैं क्या करूँ यार। देश के नेताओं को डूब के मर जाना चाहिए, ये मेडल ऐसे नहीं आता है। जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर खुद को संभाल रहे और खुद को संभालते हुए अपने दूसरे खिलाड़ी साथी। दिल्ली पुलिस अपने डिक्टेटरशिप में माहिर है, पहले से माहिर है और हम ये चाहते हैं कि इस तरह का काम जो है दोबारा ना हो। कत्ती नहीं कत्ती आलमर सकाना था हमने भी यहाँ पर आपकी चाहते हैं। पहलवान जो है वो जहाँ बैठे हुए थे उस जगह से जो है वो उठ गए हैं और बताया जा रहा है कि 5 दिन बाद विचार यहाँ पर वो करेंगे और यहाँ सामने देख सकते हैं यहाँ से निकल कर वो जो है यहाँ से अपने गंतव्य के लिए वो चले गए हैं। हमारी राय यह है, इस देश का गौरव है, इस देश की इज्जत है, मान सम्मान की बात है। अगर मान सम्मान को, ये सभी का बहु बेटी है, मान सम्मान को ठेस पहुँचेगी तो ये समाज बर्दाश्त नहीं करे। आपका सबसे आगे सबसे पहले दौर कर द टाइम्स और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हरी टीवी पर इस समय हर की पौड़ी पर मौजूद हैं और आज गंगा दशहरा का स्नान है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि भारी भीड़ यहां पर इस समय मौजूद है और लगातार देर रात से जो ये स्नान है वो शुरू हो चुका है। कल निर्जला एकादशी का स्नान यहां पर होना, लेकिन बड़ी खबर इस समय आ रही है कि जो पहलवान है जिन्होंने एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और कई मेडल जीते उन्होंने, कांस्य से लेकर गोल्ड मेडल अलग अलग गेम्स में, तो वो आज हर की पौड़ी पहुंचने वाले हैं। कहीं ना कहीं ट्वीट यहां पर किया गया और उसके बाद तमाम नेशनल मीडिया जो है और लोकल मीडिया से लेकर उत्तराखंड का मीडिया यहां पर आज जमावड़ा लगा हुआ है। यहां पर देख सकते हैं, इधर अगर मैं दिखाऊं तो यहां पर चेकिंग के लिए यहां पर एक टीम यहां पर तैनात है और लोगों को देखा जा रहा है और तमाम यहां पर आप भीड़ देख सकते हैं क्योंकि स्नान यहां पर चल रहा है। हर की पौड़ी अपने आप में विश्वविख्यात है, देश विदेश से श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं, तो आज हरी टीवी जो है ग्राउंड पर पहुँच चुका है और दिखाएगा किस तरीके से जो पहलवान हैं वो आज यहाँ पर पहुँचेंगे और बताया जा रहा है कि वो अपने जो मेडल हैं वो गंगा में यहाँ पर विसर्जित करने के लिए आज हरिद्वार आ रहे हैं। तो आइए सीधा लिए चलते हैं आपको तस्वीरों की ओर। ऐसा यहाँ पर देख सकते हैं हर की पौड़ी पर इस समय मौजूद है और पहलवान जो हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जहाँ जो भीड़ का एक गुट देख रहे होंगे वहाँ पर जो लोग हैं वो उनके साथ जो आए हुए हैं वहाँ पर, आइए सीधा आपको लिए चलते हैं। फोटो मार। हेलो, ये फ्री मिल जाएगा सर? अरे नहीं, पहले घुसा हुआ तो झाकी पाऊँ भैया हमारा। क्या कह रहे हैं सर? जी सर भीड़ है, चेतन फ्रेम नहीं मिल रहा, बताओ मैं क्या करूँ यार। सर कैमरामैन क्या रहा दे रखा है सर? सर टू पॉइंट कैमरा पीछे करो किसका? भाई थोड़ा और यहाँ पर बाद में इनको हटाया गया, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तमाम जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर पहुँची हैं। हालांकि बात कर रहे हैं और खिलाड़ी के साथ में आ रहे हैं, उनका भी अभी थोड़ा सा भी इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। फिलहाल छोड़िए धक्के नहीं लगे आराम से कर लेंगे। और है क्या अभी भी कोई ऐसा विकल्प है जिस पर ये जो तमाम खिलाड़ी हैं कि साथ मिलकर इस जो अपने पदक है उनको यहाँ बहाने जो है पहुँचे हैं हरिद्वार में? देखिए बजरंग
मेडल फोकस करो, बिल्कुल देखिए यहाँ पर खिलाड़ी पहुँच चुके हैं और कुछ लगातार जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर खुद को संभाल रहे और खुद को संभालते हुए अपने दूसरे खिलाड़ी साथी खिलाड़ी को भी यहाँ पर संभालने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो मेडल लौटाना एक छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसी इन्हीं मेडल्स के लिए अपनी पूरी जिंदगी। देख सकते हैं कि बजरंग पूनिया यहाँ तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे होंगे जो आज हरकी पौड़ी पर यहाँ पहुँचे हैं और पहलवान जो है वो आज मेडल यहाँ पर गंगा में प्रवाहित करने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। यार देश के पहलवानों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, देश के पहलवानों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, वेशभूषण मुर्दाबाद, 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 वेशभूषण मुर्दाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस समय मौजूद हैं और हाथों में लोग तख्तियां लेकर यहां देख सकते हैं मौजूद हैं और खुद जो पहलवान हैं वो आज यहां हरकी पौड़ी पहुंच चुके हैं। आइए सीधा बात कर लेते हैं इनसे, क्या कहना है पूरे वाक्य पे आपको मामले में? हमें ये कहना है जो काम आज ही हमारे पहलवान करने जा रहे हैं, देश के नेताओं को डूब कर मर जाना चाहिए, ये मेडल ऐसे नहीं आता है और सब कुछ अपनी जान से भी ज़्यादा जो प्यारा मेडल है आज ये गंगा में बहाने आए हैं उनके ऊपर देखो उनके ऊपर बीत क्या रही होगी। आज इन्होंने अगर ये काम कर दिया तो देश में कोई खेलने वाला नहीं बचेगा, देश का मान बनाने वाला कोई बचेगा नहीं। आप ये देखो जब से ओलंपिक खेल शुरू हुआ है हमारे देश के मेडल कितने आए हैं और आज इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो हम समर्थन दे रहे हैं, हम हरिद्वार के ही रहने वाले हैं, तन मन धन से इनके साथ हैं, अगर अपनी जान भी देनी पड़ेगी तो उसके लिए भी तैयार हैं। हम आज जो है ये निर्णय लेके आए, मैं जाट महासभा का महामंत्री नरेश बालियान बोल रहा हूँ और हम अपने देश के पहलवानों से ये निवेदन करने आए हैं कि जो मेडल आया है वो देश का मेडल है। आप इस तरह का काम जो है हम उनसे अपील करने आए हैं कि कोई भी काम इस तरह का ना करें जिससे जो है देश की भावनाओं को ठेस पहुँचे, हमारे पहलवानों को ठेस पहुँचे। तो हम उनसे निवेदन करेंगे कि आप अपना निर्णय जो है थोड़ी देर के लिए स्थगित रखें और जो न्याय के लिए लड़ाई लड़ें, हम जो है सारा जाट समाज पूरा जो है हरिद्वार इन पहलवानों के साथ में है, जैसे भी कंधे से कंधे मिलाकर हम इनके साथ में हैं, जैसे भी होगा हम इनके साथ में लड़ाई लड़ेंगे, आखिर तक लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन अपने देश के पहलवानों को हम न्याय दिलवा कर रहेंगे। ये हमारे दिल्ली में धरना चला, उसके बाद जिस तरीके से पुलिस ने जो है डिटेन किया, उसके बाद धरना वहाँ से हटाया गया, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए दिल्ली पुलिस अपने डिक्टेटरशिप में माहिर है, पहले से माहिर है और हम ये चाहते हैं कि इस तरह का काम जो है दोबारा ना हो। ये जो हमारे पहलवान हैं, देश के पहलवान हैं, ये अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और आने वाली पीढ़ी इस हमारे देश के लिए मेडल लाए, हमारे देश का नाम रोशन करें, इसकी लड़ाई हमारे पहलवान लड़ रहे हैं। तो अगर इस तरह का काम ब्रजभूषण के द्वारा होगा तो हमारी मांग यही है कि ब्रजभूषण को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और जो इनको न्याय है वो न्याय दिलवाया जाए कानून के तहत। ठीक, तो यहाँ पर आपने सुना सीधे तौर पर कहना देख सकते हैं कि हाथों में जो युवक है वो यहाँ पर तिरंगे झंडे लेकर पहुँचे हैं और हरकी पौड़ी पर इस समय ग्राउंड जीरो से हरी टीवी जो आपको रिपोर्ट कर रहा है तस्वीरों में आप सीधे तौर पर इस समय देख सकते हैं कि कैसे बजरंग पूनिया जो है वो मास्क पहनकर और साक्षी मलिक विनेश फोगाट खुद यहाँ पर पहुँचे हैं दिल्ली में। जिस तरीके से धरना जो है इनका हटाया गया, डिटेन किया गया जिस दिन संसद का उद्घाटन था और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि हरकी पौड़ी पर कहीं ना कहीं मेडल अपना जो है वो यहाँ पर गंगा में प्रवाहित करने के लिए आज यहाँ पर पहुँचे हैं। जो लाटों की रहने वाली है महिला, 16 समिति
सीधे तौर पर आप देख सकते हैं जो पहलवान हैं जिन्होंने भारत को एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, चाहे ग्लासगो की बात हो, चाहे अन्य देशों की बात हो और ओलंपिक की बात हो, जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया, वो आज हर की पौड़ी हरिद्वार उत्तराखंड में पहुंच चुके हैं और एक साथ यहां पर बैठे हुए हैं, आंखों में आंसू हैं। और यहां पर तीनों पहलवान जो धरने पर बैठे हुए थे, जिन्होंने ब्रजभूषण सिंह जो भाजपा के सांसद हैं केसरगंज से यूपी के, उन्होंने आरोप लगाए हैं एक्सक्लूसिव हरी टीवी के रिपोर्ट में। आप कहाँ से बीच में घुस गया? तो इस समय आप देख सकते हैं हर की पौड़ी पर आरती का समय है और पहलवान जो है लगातार यहाँ पर नीचे बैठे हुए हैं, इनके आंखों में आंसू हैं और मुंह पर मास्क लगाया हुआ है। इनके साथी जो यहाँ पर मित्र हैं वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आज हर की पौड़ी पर इस समय पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिन्होंने खून पसीना बहाकर देश के लिए और जिनके लिए आपने रातों रात जाकर तालियां बजाई भाई साहब, भारत तो आप सिर्फ सुन तो लो, मीडिया वाले भाई इतनी गर्मी क्यों करवा रहे हो भाई आप? कैसे जो पहलवान है वो मैं फोटो लेकर जाता हूं भाई, यहां पर आके जो है वो सामने से ले ले फोटो भाई, इधर से सामने आप बैठे हुए हैं भैया, ज्यादा ना मीडिया। आरती का समय है और उसी के साथ साथ जो पहलवान यहाँ पहुंचे हैं, दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं तो पतित पावनी माँ गंगा की जो धारा है वो यहाँ पर कलकल करती हुई बह रही है और लोग जो हैं यहाँ आरती के दर्शन के लिए भी यहाँ बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं सामने अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो आपको ब्रह्मकुंड दिखाई दे रहा है, घंटाघर वहाँ पर दिखाई दे रहा है और जो जिस तरीके से भीड़ यहाँ पर, क्योंकि आज गंगा दशहरा है, कुछ तो कुछ लोगों से यहाँ पर बात कर लेते हैं। पहलवान आज यहाँ पहुँचे हैं, क्या आप देश की जनता सोचती है इस बारे में जो जैसा इनके साथ हो रहा है? पहलवानों को सपोर्ट करना चाहिए यार, वैसे तो कम पहलवान बचे, जो बचे हैं उनका तो कम से कम सपोर्ट करें आप लोग यार जी। हाँ तो जैसा बाहुबली सांसद है, बताया जाता है केसरगंज से यूपी के, क्या ऐसी मजबूरी है जो भाजपा भी उन पर जो कार्रवाई नहीं कर रही है पार्टी? देखो मेरा कहना तो ये, भाजपा हो या कांग्रेस हो या कोई सी भी आप पार्टी हो, पहलवान शहर देश की शान है, उन लोगों का सहयोग करें। सभी से मेरा निवेदन है कि सभी लोग सहयोग करें पहलवानों का और उनके हक के लिए, उनके लिए, ईमान के लिए खड़े रहें सब लोग। ठीक है, तो सीधे तौर पर यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं लोग भी जो हैं, जो यहाँ हर की पौड़ी पर इस समय मौजूद हैं आरती देखने के लिए, वो भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं देश की आन बान शान वो पहलवान जो विदेशों में जाकर भारत के झंडे को बुलंद करते हैं, गोल्ड मेडल से लेकर कांस्य मेडल और रजत पदक जो ये जीत कर लाते हैं, कहीं ना कहीं इनके समर्थन में लोगों को खड़ा होना चाहिए। तो देख सकते हैं कैसे पहलवान जो हैं एक दूसरे पर लिपट लिपट कर, उनकी आंखों में यहाँ पर आंसू हैं और लगभग एक घंटा इनको हर की पौड़ी पर इस समय हो गया है। आरती का यहाँ पर अनाउंसमेंट आप सुन सकते हैं यहाँ पर हो रहा है। आज वो मेडल जो इन्होंने खून पसीने से मेहनत करके जो कमाए थे, आज उनको गंगा में प्रवाहित करने यहाँ पर जा रहे हैं और हर की पौड़ी पर सीधे दिल्ली में धरना खत्म होने के बाद पहुँचे हैं। आज गंगा दशहरा के कारण हर की पौड़ी पर लाखों की तादाद में भीड़ इस समय यहाँ पर मौजूद है। भाई इसमें कुछ भी उसका नहीं लग रहा, ठीक है, ये आपकी मेहनत है। लाइट वाले ने लाइट बहुत तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगभग एक घंटा मौन बैठने के बाद अब तीनों पहलवान जो है वो उठ गए हैं और अब कहीं ना कहीं गंगा में अपने मेडल विसर्जित या प्रवाहित करने के लिए अब धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। आंखों में देख सकते हैं उनके आंसू आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। एक्सक्लूसिव खबर में इस समय आप हरी टीवी के जुड़े हुए हैं और ये आप विनेश फोगाट देख सकते हैं तस्वीरों में। अरे भाई यार, एक मिनट। अरे भाई, पहलवान जो है वो जहाँ बैठे हुए थे उस जगह से जो है वो उठ गए हैं और एक साथ यहाँ से जो है उनकी आंखों में आंसू आप देख सकते हैं पर पहुंचे हैं। और तो यहाँ देख सकते हैं 5 दिन का
अल्टीमेटम दिया गया है। राजू हैं किसान नेता, उन्होंने यहाँ पर समझा दिया है जो फैसला लिया गया था मेडल को प्रभावित करने का, वो यहाँ पर जो है अब जो है पहलवान जो उड़ गए हैं वो अपने वापस निकल रहे हैं हर की पौड़ी से। भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। पार्किंग की तरफ जो काफिला है वो ये बढ़ रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरों में यहाँ पर आप देख रहे हैं खुद यहाँ पर जो किसान नेता वो यहाँ पर मौजूद। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहलवान यहाँ पर आ गए हैं। आ जाओ आ जाओ, देख सकते हैं इसी गाड़ी में जहाँ आए थे वो यहाँ दीनदयाल पार्किंग में समय मौजूद है। और अब पहलवान जो है लगभग एक डेढ़ से डेढ़ घंटा हर की पौड़ी पर बिताने के बाद यहाँ से राके बाद यहाँ से जो है अब वापस जा रहे हैं। ओलंपिक के जो पांच रिंग हैं वो आप उनकी गाड़ी पर सामने देख सकते हैं और आज हरिद्वार से वो यहाँ पर निकल रहे हैं अपने गंतव्य के लिए। पार्किंग में इस समय यहाँ पर वो मौजूद है। उन्हें पूरा आश्वासन है, उनका सर हम झुकने देंगे और जहाँ तक भी लड़ाई होगी जय माता की। कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। आप आज ही जैसे 12 बजे ट्वीट किया था साक्षी ने, विनेश ने, बजरंग जी ने, 6:30 बजे तक सब आ गए थे, 7 इतनी देर तक अब ये लोग यहाँ पर बैठे थे, रो रहे थे, परेशान थे। क्या किसी की तरफ से कुछ कहा गया है? हमें नहीं पता लगा ना, हमें ट्वीट का पता 2 घंटे पहले पता लगा। हमें तो 2 ही घंटे पहले पता लगा, हम तो खेत में थे, जो साहब भी अपने काम धंधे में थे, एकदम पता लगा। या आपात स्थिति हम यहाँ से गए, मगर कोई ऐसा कदम न उठा। सबकी जिम्मेदारी है, इस देश को बचाने की भी सबकी जिम्मेदारी है। इन्होंने तो इस देश का नाश का ठेका ले लिया। तो अब अगला कदम क्या रहेगा? देखो ये सुलाम उस पर होगी, क्योंकि इन लोगों ने ये भी तो कहा था कि इंडिया गेट पे आमरण अनशन करेंगे लोग। भाई एक तो बताओ, हमें जिम्मेदार अनशन की भावना होगी तो अनशन कराया जाएगा सम्मानित। ये तो हमें जिम्मेदार से है, ऐसी जो बुजुर्ग है कोई नहीं सर। क्या कह रहे हैं बुजुर्गों की राय क्या है इस वक्त? भाई हमने तो यहाँ से उठाए बच्चे आते हैं, हमारी राय यह है इस देश का गौरव है, इस देश की इज्जत है, मान सम्मान की बात है। अगर मान सम्मान को, ये सभी का बहु बेटी है, मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी तो ये समाज बर्दाश्त नहीं करें। इसमें कुछ ना कुछ निर्णय जो साहब लेंगे समाज के द्वारा, कल आपातकालीन बैठक बुलाई जाएगी फोरम में, उसमें जो भी निर्णय होगा वो संतोषजनक होगा। 5 दिन का समय जो साहब ने लिया उसे पूरा कराया जाएगा। तो समाज की बैठक होगी अब खापों की बैठक? हाँ बैठक होगी, बैठक होगी, कल होगी फोरम में। तो शास्त्री जी यहाँ पर किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं, क्या बात हुई है? ठीक है, बात हुई अभी चौधरी साहब आए, हमारे खाप चौधरी आए जी, जी। जो पहलवानों ने ये निर्णय लिया था वो मेडल चौधरी साहब ने रख लिया और इनके पहलवानों के साथ में जो अत्याचार सरकार के मंत्री के द्वारा कराया गया उसके खिलाफ पूरे भारत के लोग, पूरे देश के लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि ये पहलवान हमारे देश का गौरव है जी। तो इस लड़ाई को अब कहाँ देखा जाए, कहाँ पर आगे खड़ी हो गई है? बस लड़ाई तो खड़ी हो गई, तो शुरू हो गई, सब रणनीति बनाएगा खाप चौधरी, जब उसके बाद में जो डिसीजन होगा तो लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। तो अभी कहाँ जा रहे हैं सब लोग? अभी जा रहे हैं कहीं बातचीत करेंगे। तो यहाँ पर आपने सुना किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष जो थे विजय शास्त्री, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे। खास बातचीत हमने आज उनके इस मामले पर पूरा घटनाक्रम जैसा रहा उसको लेकर आज उनसे की है। पहलवान जो है वो यहाँ से अब निकल रहे हैं अपने गंतव्य के लिए। हरी टीवी इस समय एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ ग्राउंड पर इस समय जुड़ा हुआ है। एक गाड़ी आप यहाँ पर ये देख सकते हैं और दूसरी गाड़ी अगर सामने मैं आपको दिखाऊं तो वो आपको यहाँ पर इस समय दिखाई दे रही है। ये तिरंगों के साथ आप यहाँ पर गाड़ी देख सकते हैं, तिरंगा यहाँ पर हाथ में लिए हुए हैं। और यही विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया और साक्षी मल्लिक की जो गाड़ी है, जो मेहनत से इन्होंने जो मेडल यहाँ पर जो अर्जित किए थे इस देश के लिए, और सबने जब मेडल जीते थे तो उस तिरंगे के लिए, उस तिरंगे की शान के लिए इन्होंने वो कार्य जब किया था तो सबने खड़े होकर ताली बजाई थी। आज वो जब यहाँ पर पहुँचे तो अपने आप में बहुत बड़ी खबर हरिद्वार से निकल कर आई, लेकिन यहाँ पर पहुँचे तो कहीं ना कहीं उन्होंने बात की और उसके बाद जो फैसला था वो मेडल प्रभावित करने का वापस लिया गया। अब बताया जा रहा है कि 5 दिन बाद विचार यहाँ पर वो करेंगे। और यहाँ सामने देख सकते हैं यहाँ से निकल कर वो जो है यहाँ से अपने गंतव्य के लिए वो चले गए हैं। गाड़ी आप किसान नेता उनके साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं। जो पहुंचे हुए थे किसान नेता उनके साथ साथ तमाम लोग, अगर मैं आपको दिखाऊं तो काफिला बड़ा लंबा है, पीछे तक गाड़ियों पे गाड़ियां आपको यहां पर अगर दिखाई देंगी। कुछ लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे, क्या कहना चाहते हैं इस मामले पर? डट के मुकाबला होगा जी, बिल्कुल। अच्छा क्या बात हुई अभी अंदर?
अभी अध्यक्ष जी के हम बहुत पीछे खड़े थे, अध्यक्ष जी को पता है अभी तो। ठीक ठीक, तो यहाँ पर जैसा आपने सुना कि किसानों ने जो है आर पार की लड़ाई का जो ऐलान किया है, और कहीं ना कहीं जो 3 कानून बनाए गए थे कृषि बिल, उसकी तरह भी आंदोलन जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ से पहलवान अपनी गाड़ियों के साथ जो है हरिद्वार से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, और उनका काफिला जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे अब वो यहाँ से आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो खास कवरेज के लिए हरिद्वार से जुड़े हुए थे, फिर मिलते हैं किसी अगले मुद्दे के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।